हेलो एवरीवन, क्रैक कैम में आपका स्वागत है। मैं हूँ यशिका बुरा पवार आपके सामने। आज अगली फिर से हमारी प्रॉब्लम है, वो फोटो केमिस्ट्री से है, जो कि आपकी CSIR नेट में जून 2012 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन, देखो आपको पता है कि ये जो चैनल है वो आपको हेल्प करता है, खासकर जितने भी आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, वहाँ कैसे हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, बहुत ही इजीली एलिमिनेट कर देते हैं। तो उसको पहचानने का तरीका, या कम से कम नॉलेज के अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है चैप्टर के बारे में, टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो भी आप आंसर कैसे निकाल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अब वीडियो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहली बात क्या है, ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन और आंसर में क्या सिमिलैरिटी है, क्या दिया है। एक आपको कोई कंपाउंड दिया है, साथ में आपको NBS दिया है, दो इक्विवेलेंट दिए हैं, साथ में आपके पास BZ, आपके पास डाई बेंजाइल ऑक्साइड होता है, ये डाई बेंजाइल ऑक्साइड आपको दे रखा है, सेकंड कंडीशन में आपको एक्वस NOH दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, कुछ चीज हमने अप्लाई की, अब जो आंसर आपके पास है इनमें क्या किया है, ये वाली जो रिंग है आपके पास फर्स्ट वाली, इसके ऊपर हमने कोई अटैक कुछ नहीं करा है, ये आपकी एज इट इज है। अब देखो सेकंड जो है, सेकंड में इसने क्या किया है, कहीं पर CL के आपके पास रिएक्शन है, कहीं पर नहीं है। कहने का मतलब है कि जो आपका रिएक्शन का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इतना आपके पास है। ये वाली चीज आपकी थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। ठीक है, अब देखो A, B, C और D हम सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहेंगे। देखो जब भी आपके पास कोई आंसर दे रखा हो, ऑप्शन दे रखे हो, अगर कहीं पर आपको 3-membered या 4-membered रिंग अगर आंसर में दे रखी हो तो वो हमेशा गलत कर देना, क्योंकि वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि उसमें स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा होता है। और क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको आंसर दिया होता है हमेशा स्टेबल कंपाउंड आपको बनाना होता है। तो यहाँ पर देखो 4-membered रिंग है, इसका मतलब क्या है, हाईली आपके पास स्ट्रेन यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब ए के पास जो आंसर है वो आपके पास गलत है। सेकंड वाला देखो, इसमें भी आपको 4-membered रिंग दे रखी है, बी भी आपके पास क्या है, गलत आपके पास है। एक क्वेश्चन है 50% आपका सिर्फ इतनी सी नॉलेज से कि आपके पास 3-membered या 4-membered रिंग कहीं पर होती है तो उसे आप क्या कर देते हो, हाईली अनस्टेबल होता है ज्यादा स्ट्रेन की वजह से, दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब देखो आंसर या तो सी हो सकता है या फिर आपके पास डी हो सकता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट में ये भी बताऊंगी कि इन दोनों में से भी आप कैसे सेलेक्ट करोगे। क्लियर है, अब देखो यहां पर सबसे पहले देखो आपके पास अगर कहीं पर AIBN दे रखा हो, BZ2O दे रखा हो, कहीं पर HNU दे रखा हो, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर होते हैं। ठीक है, रेडिकल को जनरेट करते हैं, रेडिकल को इनिशिएट करते हैं रिएक्शन के अंदर, उसको जनरेट करके। तो देखो यहाँ पर जो भी हमारे पास कंपाउंड है, आपके पास B2O आपके पास दे रखा है, इसका मतलब फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। अब फ्री रेडिकल इस पूरे कंपाउंड में कहाँ बनेगा, ध्यान देना सबसे पहले, आपके पास ये आपके पास कंपाउंड है, इसे नहीं लिखूंगी क्योंकि इस पे आपके पास रिएक्शन नहीं हो रखी है, तो हम इधर वाले पे काम करेंगे। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इधर CL दिया है, इधर आपके पास मिथाइल है, मैंने इसको CH3 लिख लिया, इसको भी मैंने CH3 लिख लिया। अब देखो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वीक बॉन्ड हमेशा टूटते हैं। अब देखो वीक बॉन्ड आपको कौन कौन सा नजर आ रहा है, वीक बॉन्ड आप क्या, अगर आप ये सोच रहे हो कि CL आपका लिविंग ग्रुप है, ये आपके पास वीक बॉन्ड, यहां पर आप रेडिकल बनाओगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर यहां पर बेंजीन करके ऐसे करके कहीं पर CL होता, सिंगल बॉन्ड के साथ CL होता, तो आप यहां पर रेडिकल जनरेट कर देते इस बॉन्ड को तोड़कर। लेकिन यहां पर जो CL है वो सिर्फ क्या है, वो डायरेक्टली इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मीन्स यहां पर रेडिकल बनाओगे, एक रेडिकल यहां आएगा, एक यहां आपके पास आएगा, और डबल बॉन्ड पर रेडिकल आपका कभी भी स्टेबल नहीं होता। इसका मतलब यहां पर तो रेडिकल आपका बनेगा ही नहीं,
समझ आ रहा है? तो यहाँ पर अगर रेडिकल बनेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो अगर देखो सी और डी ऑप्शन में से देखोगे, एक में बॉन्ड तोड़ा हुआ है, एक में नहीं तोड़ा हुआ है। अगर आपने इतना पहचान लिया कि ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेडिकल आपका बहुत ही ज्यादा हाईली अनस्टेबल रहता है डबल बॉन्ड के ऊपर, तो आपका ये वाला आंसर है वो भी एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा डी आपके पास। अब कैसे होता है, आंसर पहचान भी लेते हैं उसको। अब देखो आपने ये देख लिया, ये वाला तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। अब या तो आपके पास ये वाला मिथाइल का हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो, तो यहां पर जो इनिशिएटर बनता है आपके पास, फ्री रेडिकल बनता है, वो कौन सा बनता है? ये दोनों हाइड्रोजन टूटते हैं। रीजन क्या है, आपको पता भी है कि जो आपके पास बेंजीन के ऊपर बेंजाइलिक कार्बन है, आपके पास कोई भी बेंजीन दी है, बेंजाइलिक कार्बन है, चाहे आप यहां पर कार्बोकैटायन जनरेट करवाते हो या कार्बो एनायन जनरेट कराते हो या फ्री रेडिकल जनरेट कराते हो, वो तीनों ही हाईली स्टेबल आपके पास होते हैं। इसका मतलब अगर आपने यहां पर H का बॉन्ड तोड़ा, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, एक रेडिकल यहां जनरेट होगा, एक यहां होगा, एक रेडिकल यहां जनरेट होगा, आपके पास एक रेडिकल यहां जनरेट होगा, ठीक है? इसका मतलब दो रेडिकल आपके पास यहां जनरेट हो गए। रीजन क्यों, बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन पर फ्री रेडिकल बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, चाहे आप कार्बोकैटायन बनाओ, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन आपने पढ़ा भी होगा इंटरमीडिएट के अंदर, वो भी बहुत स्टेबल आपके पास होता है। तो एक काम कर लिया कि हमने यहां पर क्या कर दिया, रेडिकल को हमने यहां पर जनरेट कर दिया। अब रेडिकल आपके पास बन गया, एच आपके पास निकल गया। अब देखो साथ में क्या दे रखा है, एनबीएस दे रखा है। एनबीएस आपके पास क्या होता है, ब्रोमीन आपका एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, दो इक्विवेलेंट है, तो यहां पर क्या होगा, आपके पास एक बीआर है, वो आपके पास यहां जाके जुड़ जाएगा, बीआर है, ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, एक आपके पास क्या करेगा, बीआर यहां पर जाकर जुड़ जाएगा। एनबीएस के साथ रिएक्शन कराई तो आपके पास क्या हो गया, एक ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, कंबाइन होकर दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड आपके पास बनता है, दोनों जगह पर ब्रोमीन आ गई और ये आपके पास एच नेगेटिव क्या है, बाहर निकला हुआ है, ठीक है? ये किसके साथ कंबाइन करता है, जो आपके पास ये डाइबेंजाइल दे रखा है उसके साथ जाके उसको स्टेबल कर देता है, वहां पर जो रेडिकल होता है। अब देखो यहां पर इतना कंपाउंड आपके पास बन गया, अब आपको क्या काम करना है, सेकंड काम आपको करना है, सेकंड में आपको क्या दे रखा है, एक्वस एनओएच दे रखा है। एनओएच का मतलब क्या है, ओएच नेगेटिव, मीन्स यहां पर ओएच क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल आपके पास काम करता है। तो देखो यहां पर अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है कहां काम करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपाउंड है आपके पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आपके पास एटम है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड में खींचेगा, इसका मतलब यहां पर क्या है, हाईली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहां पर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सेम आपके पास ब्रोमीन है, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इस कार्बन के कंपेरिजन में, तो ये भी क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड में खींचेगा, तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहां पर क्या रहेगा, हाईली नेगेटिव रहेगा। अब देखो क्योंकि OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड आपके पास है, तो कहां करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और डेफिशिएंसी कहां है, या तो इस कार्बन पर है या इस कार्बन पर है, या तो इस कार्बन पर पॉसिबिलिटी है आपके पास अटैक करने की, या इस कार्बन पर पॉसिबिलिटी है। तो देखो अगर ये ऊपर से अटैक करता है तो यहां पर क्या है, एक आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है, इधर बड़ा सा सीएल ग्रुप लगा है, इधर भी CH2 है, और एक नीचे की साइड देखोगे यहां कोई सीएल नहीं है, तो दोनों के कंपैरिजन में यहां पर क्या है, हिंड्रेंस आपके पास ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां से तो अटैक नहीं करेगा, किस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखो अगर इसने इस कार्बन पर अटैक किया, इस कार्बन पर अटैक किया, तो ये बीआर एज अ लिविंग ग्रुप है बाहर निकल जाएगा, तो देखो क्या बनेगा आपके पास, जैसे ही ये बाहर निकलेगा, सिर्फ इस वाली रिंग को बना रही हूं, चलो पूरा बना देती हूं, ये आपके पास है, इधर आपके पास क्या है, बेंजीन, इधर आपके पास सीएल है, ये CH2 है, इधर आपके पास CH है, इस OH ने यहां पर कंबाइन किया, तो OH यहां पर आ गया, BR नेगेटिव क्या हो गया, बाहर आपके पास निकल गया। अब देखो ये OH है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास ज्यादा होती है, इधर क्या है, ब्रोमीन आपके पास है, फिर से क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ब्रोमीन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
अपनी साइड खींच रहा है, तो यहाँ पर क्या है, हाईली पॉजिटिव चार्ज आपके पास जनरेट है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इस बीआर को बाहर निकाल देगा। जैसे ही यहाँ पर करेगा तो देखो कितने मेंबर रिंग बन रही है, एक कार्बन, फर्स्ट कार्बन, दूसरे पेन से लिखते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखो अगर आप फोर्थ वाला डी ऑप्शन देखोगे, एक दो तीन चार पांच मेंबर रिंग आपके पास है सीएल एज इट इज है, तो डी आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आपके पास निकल कर आ रहा है। इतना समझ में आया, ठीक है। एक बार दोबारा से एक बार कंक्लूड करते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर BZ2 आपको डाइबेंजल ऑक्साइड दे रखा है, रेडिकल को इनिशिएट करेगा, ठीक है। मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे, आंसर पे देखते हैं, क्योंकि चार मेंबर रिंग है, हाईली अनस्टेबल, क्रॉस कर दिया। नीचे वालों में देखो आपको बस ये चेक करना था कि आपके पास जो रिएक्शन है इस सीएल के इंक्लूड करके होगी या इसको इंक्लूड करके नहीं होगी। तो आप यहां पर सिर्फ आपको ये चेक करना था कि यहां पर जो रेडिकल बनता है वो स्टेबल नहीं बनता है, इसीलिए आप यहां पर सीएल को बाहर नहीं निकालोगे। अगर आपको सीएल डबल बॉन्ड की बजाय यहां पर सिंगल बॉन्ड होता तो यहां पर रेडिकल पक्का बनता और तो ये वाला आपके पास जो सी कंपाउंड है ये बनने की प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाती। इसीलिए यहां पर जो आंसर है वो आपके पास डी है, ठीक है। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक प्रॉब्लम के साथ, तब तक नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।